नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं दिलदार नगर के पशु मंडी में और यहाँ पर देखते हैं आप लोग एक गाभिन भैंस दिखा रहे हैं। बहुत ही जमी हुई भैंस लग रही है और कदकाठी में भी बहुत अच्छी खासी लग रही है भैंस। ये देखिए भैया, भैया क्या नाम है आपका? राहुल भैया बोल रहे हैं। यहाँ पर इनका भैंस है, कितना दाम भाई इसका भैया? 215 मांग रहा है इसका दाम, मतलब कि व्यापारी लोग तो ज़्यादा बोलते ही हैं, इस पर कम बेसी हो ही जाता है। कौन बियान है भैया? कौन बियान है? दूसरा बियाबीन है ना? हाँ, छह दांत हो गया इसका ना। पहला बियान में कितना दूध देती थी? 16 लीटर। 16 लीटर दूध था पहला बियान में ना, कुछ कम बेसी दाम में? कोई चिड़िया क्यों ना खाएगा। हाँ, आइए दोस्तों और एक भैंस देखते हैं। ये तीनों भैंस गाभिन लग रही हैं, पता करते हैं इसका दाम कितना होता है। कितना दाम है भैया इसका? कितना दाम इसका बता रहे? 35। नीचे क्या है इसके? नीचे मतलब कि लोचर में क्या है इसके साथ? पाड़ी 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 है। कितना दूध होगा इसका? दूध 13 लीटर आते हैं। 13 लीटर। कौन सा बियान है? दूसरा बियान बता रहे हैं भैया। और सुगौआ नस्ल को देख रहे हैं आप भैंस, कितना दूध होगा इसके पास? 13 लीटर दूध तैयारी। 13 लीटर दिन भर में। ये दोस्तों अब यहाँ पर टेंट लगा हुआ है, टेंट में जानकारी लेते हैं। कुछ गाभिन भैंस भी है और दुधारू भैंस भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। टेंट चला दिया। आइए भैया का भैंस को देखते हैं, कितना दाम है इसका, कितना दूध है। देखिए अच्छी कदकाठी भैंस है, इसका भी हाइट में भी ज़्यादा ऊँची नहीं है, मीडियम साइज की भैंस लग रही है। और देखिए अपने बच्चे के पास जाने के लिए कितना जोर दे रही है। बहुत ही महंगी चमड़ी की दिख रही है ये। क्या इसके नीचे है भैया? पाड़ा है। कितना रोज का पाड़ा हो गया इसका? एक हफ्ता का पाड़ा है ना। दूध कितना देती होगी? आई ये मथनिया बट की लग रही है भैंस, कितना दूध होगा इसका? आए 15 केजी दूध होगा ना। कितना दाम मांग रहा है इसका? देखिए दोस्तों यहाँ पर दो भैंस है, एक मुर्रा है और मिनी मुर्रा है। और ये ज़्यादा हाइट में भी नहीं है, अच्छी कटकाती की है, तो मतलब कि कम बजट वालों के लिए भी हर प्रकार की भैंस यहाँ पर दिलदार नगर पशु मंडी में मिलती है आपको। बिहार से भैंसें यहाँ पर आती हैं। आपकी भैंस है क्या? कितना दाम इधर वाली का मांग रहा है? एक 155 दाम मांग रहे हैं ना।
कॉमन बियान है पहला बियान ना। कितना दूध होगा अभी इसका? 15 दे रही है दोनों टाइम मिला के। और वो मिनी उसका मुर्रा वाली का इसका कितना दाम है? इधर वाली का 160 इसका है ना। ये अभी पहला बयान है, चार दांत पड़ी है ना। इसके दोनों के नीचे क्या है? पड़ा है दोनों के नीचे। देखिए चाचा दाम तो बहुत हाई बता रहे हैं, फिर भी इसका कितना में हो जाएगा लेने देने में? 55 पर मिनी मुर्रा में 60। ये देखिए मुर्रा है और ये मिनी मुर्रा। मिनी मुर्रा का दाम बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन तोड़ने ताड़ने पर हिसाब किताब से आ सकते हैं। यहाँ से देखिए व्यापारी आया हुआ है एक बंगाल से, दोनों को मोल भाव कर रहा है। आइए देखते हैं कितने में ये जाती है। ए भैया अब आ जाओ। ये देखिए मुर्रा वाले है और एक मेरी मिनी मुर्रा। आइए आज इंटरेस्ट लेते हैं भैंसों में, कितने में बिक्री होती है दोनों भैंसें। देखिए भाई तिलदार नाम के मेला में मुर्रा भैंस है, उनका बहुत ही भीड़ लग रहा है, बहुत ज्यादा संख्या में आ रही है। बात भी इसका ठीक ठाक लग रहा है। मीडियम हाइट की भैंस है, बारीक चमड़ी की भैंस है। ये दोपहर का समय हो चुका है और आज हर रविवार के मुकाबले आज बहुत ही भैंसों का मंडी में आगमन हुआ है। पानी है इसका बच्चा ना, कितना दिन का है? 3 रोज का बच्चा है। 3 रोज का बच्चा बता रहे हैं भैया। कितना दूध बता रहे हैं इसका? दूध इसका 14 लीटर है। 14 लीटर? हाँ 14 लीटर। घुमा भाई के, घुमा बियान है भाई, दूसरा बियान, दूसरा बियान। बच्चा इसके नीचे क्या है? पाड़ा, एक बच्चा पाड़ी है, पाड़ी बता रहे हैं, दूसरा बियान बच्चा पाड़ी है। और खूब दुहाई कर लेना इसको। कितना इसका दाम बता रहे हैं? दाम इसका 125 है। 125 बता रहे हैं? हाँ दाम चाचा 125 बता रहे हैं, लेकिन कितना तक फरिया जाएगा? 1 से ऊपर होगा। 1 से ऊपर है ना? हाँ, नीचे नहीं। देखिए दोस्तों ये दिलदार नर पशु मंडी का आज कुशवाहा मंडी है, दिलदार नर कुशवाहा मंडी में हम लोग। और हर रविवार से मुकाबले आज बहुत ज़्यादा भैंस आज आई हुई है और एक से एक भैंस आई। और खूब दुहाई कर लेना है, धार पर नहीं लेना है।